अरे लेते जाइए, ये लेते जाइए, ये लेते जाइए आशीष भाई। भाई इनको अथॉरिटी कौन देता है भाई खरीद करने का, वो भी जात प्रमाण पत्र। क्या नाम है आपका? रात क्या बिलदार। रात का जी कलेक्ट्रेट में धरने बैठी है, क्या है आप लोगों का? सर मेरा जबरी साइन करवा के मतलब जात प्रमाण पत्र कर रहे हैं, आपका जात प्रमाण ऐसे वैसे है और खारिज कर दे रहे हैं, जबरी साइन करवा, पूछ रहे हैं किस लिए साइन करवा रहे हैं नहीं बताएं, और जब साइन करवा लिए तब कह रहे हैं कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। क्या रिजेक्ट हो गया? यही मतलब जात का है और यही जो धर बैठे थे विधायकी का पर्चा नामांकन दाखिल के निरस्त हो गया। जी सर। क्या कारण बता रहे हैं? यही सिर्फ जात जात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या चाहती हैं आप? यही जब से हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे। वर्तमान में जिला पंचायत भी थे और सन 2015 में भी लड़े थे, सेकंड फाइटर थे और इस समय वर्तमान में हैं। और जब अगर मेरा इस समय ये अध्यक्ष भी अगर मेरा इस समय नहीं हो जाएगा ना तो अध्यक्ष भी खारिज करेंगे, जिला पंचायत भी और अध्यक्ष भी खारिज करिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। अनिल जी आज आप लोग कलेक्टर में बैठे हुए हैं धरने पर, क्या है आप लोगों का? सर देखिए कि ये राधिका बेलदार जी हैं जो कि 96 प्रत्याशी हैं 96 विधानसभा के, और इन्होंने आर ओ ने मोटी रकम लेकर इन्होंने इनका पर्चा खारिज किया गया जो कि आज जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए, जो कि जाति प्रमाण पत्र की इनको अथॉरिटी नहीं है, इनको जाति प्रमाण पत्र की अथॉरिटी नहीं है खारिज करने का, जो कि इनके साथ टीम गठन होगी, साथ टीम आएगी वो जात प्रमाण पत्र खारिज करेगी करेगी, और जो कि इनका पर्चा नहीं खारिज हुआ है, इनका जात प्रमाण पत्र खारिज किए, क्यों खारिज किए भाई? उसी सर्टिफिकेट पर इन्होंने जिला पंचायत वर्तमान समय पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी है, क्यों किए खारिज किए? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा पर्चा वैध माना जाए, हमारा जात प्रमाण पत्र जैसे था उसी तरीके से लागू किया जाए। खारिज करता है सात टीम का, खारिज करती है सात टीम का गठन होगी तब जाकर खारिज होगा, लेकिन इन्होंने इनको कौन अथॉरिटी दिया? मैं पूछता हूँ, अगर अथॉरिटी दिया तो इस प्रमाण पत्र खारिज करें इसको।